आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अमरोहा में स्टंट बाजों का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अमेठी में प्रशासन ने सीज किया होटल, सराय एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अमरोहा में डीएम ने की सरकार की योजना की तारीफ, प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। औरैया में घने कोहरे में यमुना पुल से गिरी कार, पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी कार। कानपुर विधायक इरफान खतरे में पुलिस ने चिन्हित के विधायक की प्रॉपर्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रही है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की रात में तकरीबन 2 बजे तक पीआरवी पॉलीगन पिंक स्कूटी पिंक पैंथर गश्त करेगी। इसके साथ ही ड्रोन कैमरा व आईटीएमएस भी रखी जाएगी। वहीं सभी जोन के संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नए साल को देखते हुए पूरे कमिश्नरेट में 7,900 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। अमरोहा में गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर कार सवार लोगों ने जानलेवा स्टंट किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस मामले की पुलिस अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि फोन पर जानकारी दी गई कि एसपी आदित्य ने बताया कि गाड़ी चालकों की तलाश करने के उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के पारा कोतवाली क्षेत्र में शाम ढलते ही अवैध खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें कि पारा पुलिस व खनन विभाग की लापरवाही के चलते खनन माफियाओं का बोलबाला है। अवैध खनन कुछ पुलिसकर्मियों की खनन विभाग के अधिकारियों सह पर बड़े स्तर पर चलता है, जबकि प्रशासन पूरी तरीके से खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए आए दिन निर्देश दे रहा है। उसके बावजूद भी पारा में बड़े स्तर पर अवैध खनन का कार्य फल फूल रहा है। कानपुर में विधायक इरफान के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होने के बाद अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति अब खतरे में आ गई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पूरी तरीके से कानून चक्रव्यूह में फंसते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि काली कमाई से बनाई गई अरबों की प्रॉपर्टी को जांच एजेंसियों ने तेजी से खंगालने का काम शुरू कर दिया है। अब तक की जांच पड़ताल में शहर की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है, जिसमें एक आलिशान कोठी, 3 मकान, 2 फैक्ट्रियां और कई निर्माणाधीन साइट भी शामिल है, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा रही है। अमेठी कस्बे के एक प्रतिष्ठित होटल को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने होटल को सीज कर दिया। बता दें कि सराय एक्ट के तहत पंजीकरण न कराने पर होटल पर बड़ी कार्रवाई की गई। कुछ दिन पूर्व ही होटल संचालक को अग्निशमन व अन्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई थी। होटल सीज होने के थोड़ी देर पहले पुलिस अधीक्षक ने इस होटल पर आकस्मिक निरीक्षण किया था। अचानक बड़ी कार्रवाई होने से अन्य होटल संचालकों में हड़कंप मच गया और इस दौरान एसडीएम, सीओ और फायर विभाग की टीमें मौजूद रहीं। भैया, ये देर शाम आपके द्वारा इस होटल पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? ये अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी लखनऊ की, एक होटल में बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए होटल सराय का रजिस्ट्रेशन न कराना, फायर ब्रिगेड की नोटिस दी गई थी इनको, फायर ब्रिगेड नोटिस का जवाब न देना और फायर की NOC न लेना, इस संबंध में ये कार्रवाई की। क्या होटल को सीज किया गया? होटल को सीज किया गया है, अपने इस कार्रवाई को पूरा कर और होटल खोला। ये अमेठी में और भी इस तरह के होटल हैं? ये अभियान चलाया गया है, चेकिंग की जाएगी, जो भी ऐसा मिलते जाएगा।
अमरोहा में डीएम वीके त्रिपाठी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सरकार के द्वारा दूसरों की जान बचाने पर मिलने वाली 5,000 की धनराशि की बेहतरीन योजना को आमजन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम लोगों से इस योजना के तहत लोगों की जान बचाने का अनुरोध भी किया है। वहीं डीएम का कहना है कि अगर किसी सड़क दुर्घटना में घायल एक घंटे तक अंदर कोई व्यक्ति उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा देता है, उस व्यक्ति की मदद से अगर उस व्यक्ति की जान बचती है तो सरकार के द्वारा उसे 5,000 रुपए की धनराशि इनाम के रूप में दी जाएगी। डीएम ने इस योजना को अच्छी योजना बताया और कहा कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो कोई व्यक्ति पब्लिक का व्यक्ति उसको तत्काल गोल्डन आवर में अगर उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका इलाज शुरू करा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गुड समेरिटियन कहा जाएगा, नेक इंसान कहा जाएगा और 5,000 रुपये का उसको फाइनेंशियल पुरस्कार भी दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी स्कीम ये है और ऐसा करने से कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, इसलिए ये सरकार ने इस पॉलिसी को 3 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है और गोल्डन आवर में इसको करने की रहती है। गोल्डन आवर औरैया में बीती रात घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार यमुना पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में ही क्रेन से कार को बाहर निकलवाया जिसमें एक युवक का शव मिला है जिसकी पहचान जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर की गई। वहीं कार में और कितने लोग थे ये पता नहीं लग पाया है। संभावित लोगों की तलाश में SDRF की टीम ने नदी में रेस्क्यू शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक नेवी में तैनात था और गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में थाना वेब सिटी के कस्बा डासना में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दो पक्षों में मारपीट हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 30/12/2022 को थाना वेब सिटी अंतर्गत कस्बा डासना में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों में मारपीट करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लिया तथा पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि विवाहिता के मायके पक्ष वालों ने ससुराल जनी पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि खबर उन्नाव से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। वहीं ससुराल वालों पर मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे चैतन्य। चैतन्य, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से नवविवाहिता का हत्या का आरोप लगा रहा है मायके पक्ष वाले ने ससुराल पक्ष वालों पर। जी बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन्स का है जहां पे एक विवाहिता की हत्या हो जाती है। जैसा कि ससुराल वालों का आरोप है कि वो लोग बिटिया अपनी बेटी को लिवाने गए थे और वहां पे जाके उनको पता चलता है कि बेटी ने जहर खा लिया है। हालांकि जो पूरा मामला है, पूरे मामले पे पुलिस खुल के कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो बता रही है कि इसमें पहले जांच होना आवश्यक है, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैतन्य। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।